अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ेशान। नाज़रीन, मोहसिन इंसानियत अब्दुस्सत्तार ईदी की वफ़ात के साथ ही इंसानी खिदमत का एक रोशन बाब तमाम हुआ। ईदी साहब की वफ़ात पर सदर पाकिस्तान से लेकर एक आम पाकिस्तानी के दुख से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा आदमी होता क्या है। बड़ा आदमी कीमती बंगले, महंगी गाड़ियों और बड़े अहदों से नहीं बनता, बल्कि अपने दम और मेहनत के बलबूते पर ईदी वेलफेयर जैसे इदारे कायम करके बनता है। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को यह सबक दिया है कि अगर कोई फ़र्द वाहद चाहे तो बग़ैर वसाइल के भी अपने मजबूत इरादे की बिना पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के मालिक अब्दुस्सत्तार ईदी खिदमत खल का जज्बा बचपन से ही रखते थे। वो कहते थे कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे दो आने देती थी, एक अपने लिए और एक किसी दूसरे पर खर्च करने के लिए। ईदी साहब अमन के दाई थे और कहते थे कि कोई भी मज़हब इंसानियत से बड़ा नहीं होता। वो सारी ज़िंदगी हुकूमत या किसी भी सरकारी इदारे से इमदाद और ग्रांट लेने से इनकारी रहे और ज़रूरत पड़ने पर झोली फैलाकर किसी भी चौक या सड़क पर बैठ जाते और लोग भी फिर अपने इस मोहसिन को कभी मायूस नहीं करते थे। खुदा इस अजीम शख्सियत की मगफरत करे और हर पाकिस्तानी को ईदी बनने की तौफीक अता फरमाए। कुछ ईदी साहब के खिदमात पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, कुछ सियासी मंजरनामे की बात करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ 6 हफ्ते की तवील गैर हाजिरी के बाद आज वतन वापस लौट आए हैं, इस दावे के साथ कि वो मुल्क और कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, जबकि उनका ये कहना है कि धरने या जो एहतजाजी सियासत है इससे मुल्क का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म ऐसे वक्त में मुल्क से बाहर गए थे जब पनामा लीक्स पर उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना था और अब वो लौटे हैं तो पनामा लीक्स का जो मसला है ये जूं का तू ही मौजूद है, जबकि ऑपोजिशन सड़कों पर निकलने को तैयार बैठी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म को अपने घर की खबर भी कुछ लेना होगी, जहाँ पर वफाकी काबीना उनके जाने के बाद तकसीम नजर आई और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बुलाए गए इजलासों में दो अहम वफाकी वज़रा चौधरी निसार और अहसन इकबाल मुसलसल गैर हाजिर रहे, जिसे तजिया कारों ने वज़रा की नाचाकी से ताबीर किया है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस की एक बड़ी तादाद वज़रा के रवैये से नाला होकर बगावत पर आमादा नजर आई। सियासी महाज पर 21 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में होने जा रहे आम इंतखाबात भी अहम हैं। इमरान खान और बिलावल भुट्टो कश्मीर में मुसलसल जलसे कर रहे हैं, लेकिन क्या वज़ीर आज़म अपनी ख़राब सेहत के साथ यहाँ की आवाम के दरमियान जा सकेंगे? इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के अराकीन पर अपोजिशन से मशावरत के अलावा नए आर्मी चीफ के तकरर के हवाले से भी कुछ अहम फैसले करने हैं। मियाँ साहब, आखिर इन मसाइल से कैसे निपटेंगे? प्रोग्राम में हम इस पर भी डिस्कस करें। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची से ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, शहजाद चौधरी साहब सीनियर तर्जियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कुछ ही देर में हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ। ईदी साहब जैसे लोग यकीनन इसमें कोई शक नहीं हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए एक मशले रहा है, आपके ख्याल में वो हम सब के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे माशरे के लिए ऐसा क्या सबक देकर गए हैं, ऐसा क्या पैगाम छोड़कर गए हैं जिसे हम सबको अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, उनका जो सबसे बड़ा पैगाम था वो ये था मेरी नज़र में कि एक डिसफंक्शनल रियासत, एक डिसफंक्शनल माशरा और एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट और हुकूमतों के बावजूद आप एक ऐसा निज़ाम कायम कर सकते हैं जो के फाल हो, जो के अपनी जिम्मेदारी को पहचानता हो और उस जिम्मेदारी को बतरीके अहसन निभा सके। मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का निज़ाम उन्होंने पिछले 60 साल में क्रिएट किया है वो एक ऐसी मिसाल है कि अगर चाहें, कोई भी चाहे इस मुल्क के अंदर, तो उस निज़ाम जिसकी निज़ाम का हम रोना रोते हैं उसकी इस्लाह भी की जा सकती है, उसको क्रिएट भी किया जा सकता है और उसको फंक्शनल भी बनाया जा सकता है। जहाँ तक उनकी ज़ात का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान आज यतीम हुआ है, यानी कल यतीम, आज उनके चले जाने से यतीम हो गया है। एक मरतबा फिर एक दफ़ा मेरी नज़र में जो जो कौम के बाप बाबाए कौम हज़रत कायदे आज़म, उनकी जब वो दुनिया से गए और फिर मुझे लगता यूँ है कि जैसे उनके बाद उस बेलॉस क्वालिटीज़ वाला आदमी गालिबन आज
ہم سے روٹھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسے انسان کی پہچان ہے جس کو کہ غالباً ہم نے زندگی میں وہ قدر نہیں دی. اتنا بیمار بھی رہے, انہیں بیرون ملک کے علاج کی پیشکش بھی کی گئی, بیرون ملک علاج کی پیشکش بھی کی گئی, ہمیشہ وہ انکار کرتے رہے. تو ہمارے حکمران ایسی شخصیات سے سبق سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تعریفوں کے اگر پل باندھے جائیں تو بہت پل باندھتے ہیں, لیکن ایک مثال کیوں نہیں قائم کرتے ایسا, ان کے جیسا طرز زندگی اپنا کر. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے 90 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ انہوں نے وفات پائی ہے. ہمارے جو حکمران ہیں باہر جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, اپنے لیے ویسے اچھے ہاسپٹل یہاں نہیں بنوا سکتے ہیں. تو یہ مثالیں کیوں نہیں قائم کرتے ہمارے حکمران ایسی شخصیات سے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایدی صاحب نے زندگی بھر دوسروں کو دیا ہے, بالکل کسی سے کچھ لیا نہیں ہے. ہمارے حکمران لینے والے ہیں, یہ دینے والے نہیں ہیں. یہ ریاست لینے والی ہے, یہ دینے والی نہیں ہے. یہ حکومتیں, سیاسی حکومتیں ہوں یا کوئی حکومتیں, یہ لینے والی ہیں, یہ دینے والی نہیں ہیں. ہمارا اشرافیہ لینے والا ہے, دینے والا نہیں ہے. یہ واحد آدمی تھا جس نے پہچان دی اس چیز کی, اور میرا خیال ہے مشعل راہ چھوڑی ہم سب کے لیے کہ دیا کیسے جاتا ہے بغیر لیے ہوئے. اور میرا خیال ہے یہ وہ فرق ہے جو کہ ایدی صاحب کو آج تمام باقی معاشرے سے, باقی لیڈرشپ سے, باقی لوگوں سے ممتاز کرتا ہے. جی بالکل صحیح. ظفر ہلالی صاحب, آپ کے خیال میں ایدی صاحب جو مشن چھوڑ کر گئے ہیں, کیا یہ مشن ایسے ہی چلتا رہے گا, اور بطور قوم اس مشن کو آگے ایسے ہی چلانے کے لیے اس قوم کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شازیہ, میں آج 4 گھنٹے نیشنل سٹیڈیم میں گزارا ہوں ایدی صاحب کے نماز جنازہ میں, اور ابھی تک میں کافی ایموشنل ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں, اور مجھے فرینکلی یہ بھی نہیں پتا ہو کہ کب میں آپ دیدہ ہو جاؤں. مگر وہ 4 گھنٹے میں شکر کرتا رہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پاکستانی بنایا, تھینک یو یا اللہ. اس لیے کہ آج جو میں نے دیکھا ادھر, جو لوگ آئے تھے ہر پروونس کے, رچ پور, مسلمان, ہندو, عیسائی, جو بھی تھے, انہوں نے ان کے پریزنس سے ہی بتا دیا کہ وہ کیا تھا عیدی ان کے لیے. اور میرے خیال میں جیسے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے, میں اتنا ہوں کہ میں قائد اعظم جناح صاحب کے بھی نماز جنازہ میں شریک تھا, والدہ کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ گیا تھا. مجھے یہ ابھی تک یاد ہے کہ جتنا وہ اس وقت روئے والد صاحب, میرے خیال میں ان کے جب ان کی والدہ جب کا انتقال ہوا اتنا نہیں روئے جتنا جنہ کے خبر پہ روئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی بھی ایک دفعہ اور سب کو ہوپ دیا ہے, امید دیا ہے کہ دیکھو یہ ملک میں یونٹی ہو سکتی ہے اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے ادھر 4 گھنٹے, اور شازیہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنے کتنے لوگ آ کے مجھے ملے, بات کیے. میں قسم کھاتا ہوں آپ کو, اور ادھر گواہ ہیں لوگ, ایک آدمی نے آ کے میرا ہاتھ چومنے لگ گیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار؟ کہتا ہے سر آپ سچ بولتے ہیں. میں معاف کریے, میں سچ بولتے ہیں مانے کہ جھوٹ بولنا تو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے, مانے دا موسٹ نیچرل تھنگ از کہ سچ بولو. یہ نیچرل تھنگ کہنے کے لیے وہ آ کے آپ کا ہاتھ چومتا ہے. تو میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ لوگ ڈیسپریٹ فار گڈ لیڈرشپ, اتنے مر رہے ہیں یہ لوگ کہ ایک آنےسٹ انسان آئے. اور جیسے وہ آئے تو خبر یہ آئی لوگوں کے پاس سے کہ 30 کروڑ روپیہ جہاز پہ خرچ ہوا ہے, کہ 50,000 روپیہ صرف جو لوگ ایئرپورٹ آئے ان کو ملنے کے لیے ان کی چائے کے لیے خرچ ہوا, کہ 4 ہیلی کاپٹرز میں نواز شریف صاحب روانہ ہوئے ہیں جاتی عمرہ, جس میں سے 3 ہیلی کاپٹر ان کا سامان کے لیے تھا. کیا آپ بتائیں مجھے,
ईमान से मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा ओवर इमोशनल। यही बात शहजाद चौधरी साहब मैं करना चाह रही थी कि एक मैसेज तो हमें मिल गया कि अगर हम चाहें तो वसाइल के बगैर भी इस मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इसके लिए अमीर या गरीब होना जरूरी नहीं है। वसाइल के बगैर कुछ नहीं होता, वसाइल लोगों ने दिए। मैंडेट की बात होती है ना, मैंडेट की बात की जाती है कि जी मैंडेट है फलानी हुकूमत के पास, फलाने आदमी के पास, फलाने, ये मैंडेट वो नहीं है, वो जाली नकली मैंडेट है। मैंडेट ये है जो कि आज ईदी साहब ले गए अपने साथ, मैंडेट वो है जो कि रिसोर्स की शक्ल में उनको दिया गया, लोगों ने दिया, अपनी जेब से निकाल के दिया, और हर कोई देना चाहता है। अच्छा, उसकी वजह यह है उस रिसोर्स के साथ उन्होंने वो निज़ाम को क्रिएट किया जो कि रियासत की तरफ से कोई रिसोर्स नहीं थी। रियासत के पास तो बे इंतहा रिसोर्स होती है, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, पैसा, टैक्सेस, रेवेन्यूज, क्या कुछ नहीं होता, और उसके बावजूद वो एक ऐसा निज़ाम कायम नहीं कर सकते जिसके अंदर के लोगों का कुछ भला हो जाए। हम ये नहीं कहते कि सबका भला हो, कुछ का भला हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो अब जब ये आज हम मुकाबला करना शायद एक लगता है कि मुकाबला हो जाएगा बिटवीन वन लीडरशिप एंड ईदी साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी कि हम मुकाबला ईदी साहब का किसी भी हुक्मरान से, किसी भी हुकूमत से, किसी भी अशराफिया से, किसी भी लीडरशिप के किसी भी लेवल से आज हम करें। मेरा ख्याल है वो एक प्रॉफिट, एक एंजल, एक आदमी था, उसने अपनी ज़िंदगी और ज़ात से निकल के देने के लिए अपनी सर्फ कर दी, और अल्लाह ने उसको इतना कुछ दिया कि वो बहुत सारों को बहुत कुछ। देखिए कितनी सोसाइटी, कितना परसेंटेज ऑफ सोसाइटी ईदी से अफेक्ट हुआ है, जो इशराफिया है वो भी उनकी एम्बुलेंस इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए कितने लोगों को उनके उनको उनके उनके, उनके होने ने उनके होने ने असरअंदाज किया अच्छे तरीके से। सही, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। प्रोग्रेसिव, बिल्कुल, अल्लाह ताला प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, एक छोटी सी बात, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान का। और अगर किसी को सबक सीखना है आज तो ये सीखे कि यार ये गवर्नमेंट 70 साल से हम चला रहे हैं, हम क्यों किसी के लिए कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला ईदी साहब के दर्जात को बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर, उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, क्या अपोजिशन का एहतजाज, एहतजाज की धमकियाँ, मईशी सूरत हाल, मईशत की बिगड़ती सूरत हाल, या सिक्योरिटी मामला, या उनकी अपनी पार्टी में पड़ती हुई दरारें। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुश आमद है ज़फ़र हिराली साहब। बतौर एनालिस्ट मैं आपका तज़िया एक सवाल पर चाहती हूँ कि ये बात तो तय है कि किसी के होने या ना होने से दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। वज़ीर आज़म साहब 6 हफ्तों के बाद वतन वापस लौटे हैं, अल्लाह का शुक्र है सेहत याबी के साथ वतन वापस लौटे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में आपको क्या लगा कि मुल्क की मामलात बिल्कुल ठीक तरीके से चलते रहे? क्या उनकी गैर हाजिरी से मुल्क की मामलात चलने में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, या मुल्क की मामलात उनके होते हुए जैसे चल रहे थे वैसे उनकी गैर मौजूदगी में भी चलते रहे, कुछ फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा शाजिया। मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने दार साहब की अपॉइंटमेंट की तो लगता है ऐसे है कि कैबिनेट में तकसीम आ गया, जैसे उन्होंने बजट की अनाउंसमेंट की लगता है ऐसा है कि पार्टी में तकसीम आ गया, जैसा उन्होंने अपने बेटी का रोल ये किया तो ऐसा लग रहा था कि मुल्क परेशान हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, ये बेटी किधर से आ गई, अनइलेक्टेड मेंबर, वो किधर स्टैंड इन फॉर प्राइम मिनिस्टर आ गई है, क्या ये पार्टी है कि ये एक एयरलूम है, क्या वो विरासत में आ रही? लेकिन मामला तो सारे लंदन कैंप ऑफिस से चल रहे थे ना, जो मुल्क की तारीख में पहली दफा किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कैंप ऑफिस कायम किया लंदन में, मामला तो सारे वहीं से चल रहे थे ना। वहीं से अगर चल रहे थे तो सब लोग जाके उनको मिल रहे थे, एम्बेसडर्स बुल्कों में जाके उनको मिलते थे, और वो बता रही थी कि स्टेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स हेल्थ क्या है। भाई देखिए एक तर्जुमान होता है, आप किसी और मुल्क में चले जाएं आपको एक तर्जुमान मिलेगा, वो अनाउंस करेगा, वो बताएगा, वो क्वेश्चन लेगा, वो बुलेटिन इश्यू करेगा, इधर तो वो कुछ नहीं थी। और तो ये कैबिनेट स्प्लिट, पार्टी स्प्लिट, कंट्री कंफ्यूज्ड, और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि
इनके अपने लोगों में ये जो डिवीजन आई है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का, ये कैसी बातें हुई है? ये सिर्फ नहीं है कि वो अपने एग्रीकल्चर पॉलिसी पे उनको उनको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये उनका द होल अप्रोच टू गवर्नमेंट, उस पे लोगों को ये हो रहा है। मुझे एक बड़ा जिम्मेवार PMLN का आदमी, एक अहदेदार पार्लियामेंट में, वो मिला और कहने लगा हम सोच रहे हैं कि भाई ये इनफ इज इनफ, काफी हो गया है, ये हम जानना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो खड़े किधर होते हैं, वेयर डज ही स्टैंड दिस इश्यूज, और जब वो वापस आएंगे ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बात है वो ऐसी नहीं बनी है, हम जानना चाहते हैं उनसे वो किधर खड़े हुए हैं। तो देखें वो क्या जवाब देते हैं। ये रुक के मैं सिर्फ कहता हूं इकोनॉमी में आप खुद देखें इकोनॉमी में क्या हालत है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, अनजस्टिफाइबल डेट, ठीक है, डेट रेट क्या हो गया है, नो जॉब क्रिएशन। शहजाद चौधरी साहब का भी ले लेंगे, चैलेंजेस क्या है उस पर भी हम बात करते हैं। शहजाद चौधरी साहब, योर एनालिसिस, कितना फर्क पड़ा वजीर आजम साहब की गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी मामलात को चलाने में? देखिए, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पाकिस्तान में पिछले 48 दिन से हुकूमत ही नहीं थी, यानी हुकूमत तो होती है कैबिनेट के साथ, कैबिनेट ही नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे मौजूद ना होने से, देयर वाज नो कैबिनेट दैट एग्जिस्टेड इन द कंट्री। पार्लियामेंट नहीं थी, लीडर ऑफ द हाउस क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं था। जिस मुल्क में पार्लियामेंट ना हो, हुकूमत ना हो, कैबिनेट ना हो, वो तो बिल्कुल एक उसकी हैसियत ही खत्म हो जाती है। कहता है अगर अगर लीडर ऑफ द हाउस मुल्क में नहीं है किसी भी मजबूरी से, तो आइन क्या कहता है कि मुल्की मामलात कैसे चलेंगे? किसी ना किसी के सुपुर्द तो होते हैं। देखिए, ही हैज टू अपॉइंट अ रिप्लेसमेंट, किसी को किसी को सपोर्ट करके जाएगा, कहेगा लीडर ऑफ द हाउस मेरी जगह ये है, कहेगा कि ये मेरी जगह कैबिनेट को मीटिंग होल्ड कर सकता है कि, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी प्रोविजंस के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। अच्छा, इसीलिए इस गैप की वजह से रियासत बिल्कुल बेमुहार चली है पिछले 50 दिनों के अंदर। अच्छा, अगर ये एहसास हो जाए कि हम इस किस्म की जो लिबर्टीज़ हैं, देखिए इस दिन के जाने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ, फॉरेन पॉलिसी के महाज पे देख लीजिए, अफगानिस्तान के साथ ऑलमोस्ट वी वेंट टू वॉर। अच्छा, ईरान और इंडिया वहां पे कुछ और हमारे खिलाफ मिलकर चलना शुरू हो गए थे। अच्छा, उसके बाद हम SCO के मेंबर बन गए, NSG के ऊपर इंडिया तकरीबन बनने वाला था, तो ये सब कुछ हमारे पाकिस्तान को सेंटर में रख के इसके इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा था। हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान, लीडरशिप की गैर मौजूदगी की वजह से कोई डायरेक्शन ही नहीं था। तो पार्शली फंक्शनल क्योंकि जुडिशरी कायम थी, पार्शनली चूंकि आपकी मिलिट्री काम कर रही थी, लेकिन बाकी जो आपका क्रक्स है हुकूमत का, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये है जो सबसे पहला काम इनके आने से हुआ कि आई होप कि पार्लियामेंट, कैबिनेट, गवर्नमेंट अपनी जगह पे वापस अपने आप को मुकम्मल कर लेगी, क्योंकि पार्लियामेंट और कैबिनेट और गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है कि हमने ये जो पनामा लीक्स वाला मामला है इसके साथ अब करना क्या है। तो जब तक ये तीन हैसियतें ही कंप्लीट नहीं थी, पनामा लीक तो खामखा में दो चार छः उनके लोग, चार छः उनके लोग लेके उड़ रहे थे, इसके ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती। सो प्राइम मिनिस्टर हैज टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लीट द गवर्नमेंट एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू विद पनामा लीक्स, बिकॉज उनकी अपनी लोकस टेंडाए क्या है। अगर उनकी लोकस टेंडाए अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ नॉट रिजॉल्विंग पनामा लीक्स, अनफॉर्चुनेटली फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, लोगों का मैंडेट, लोगों का जो तरीका है वो ऐसा ऐसा उनसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। क्या ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर के इस मुल्क में ना होने से मुल्की मामला चलाने में बड़ी दिक्कत का सामना हुआ? हमने देखा फॉरवर्ड ब्लॉक बनना शुरू हो गए, पार्टी में दरारें पड़ गई, आपकी कैबिनेट तकसीम हो गई, अभी जो हमने बात की फॉरेन पॉलिसी में कुछ ज़ाहिर है, जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला वॉर तक चले गए, जैसा कि शहजाद चौधरी ने सभी कहा, फ़र्क तो पड़ा प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में। और सबसे बड़ी बात, किसी के सुपुर्द उस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब काम दे के ही नहीं गए थे, कोई मुल्की मामला चला ही नहीं रहा था पीछे से। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो यह है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि शहजाद चौधरी साहब को किसने कह दिया कि फॉरवर्ड ब्लॉक कोई बन गया, किसने कह दिया कि कैबिनेट तकसीम होगी। साफ़ी हम लोग भी अंदर की खबरें, पार्टी में कुछ आपकी तकसीम तो अंदर की अपनी पसंद की खबर आप बनाना चाहें तो उससे तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। मगर मैं ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये बातें 99 में भी हुई थी कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, कोई कैबिनेट तकसीम होगी। भाई उस वक्त भी मैं थोड़ा सा, मुझे वक्त दे दीजिएगा, गुजारिश ये है कि 99 में भी कोई ऐसा कोई पनामा लीक्स नहीं थी, कोई और काम नहीं था, मगर उस वक्त भी दो जो कज़न थे, जो आज कज़न है कंटेनर के, वो उस वक्त भी कज़न थे जिन्होंने कहा था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। उस वक्त तो कोई चीज़ नहीं, उस वक्त तो सिर्फ यही था कि आप एटमी कुव्वत बने थे, उस वक्त तो ये था कि आपने कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया था जो आलमी कुव्वतों को, मैं यही कहने लगा। अभी इस बात अब मसला ये है, सी पैक
अब मसला ये है ग्वादर बंदरगाह, अब मसला ये आलमी कुवतों की मैं बात कर रहा हूँ और ये पाकिस्तान में फंडिंग हो रही है, मैं आज भी ये कहने के लिए तैयार। मेरे सवाल पे आप आए नहीं रहे। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ना, पहले मुझे भी तो बात करने दें, मुझे भी मौका दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ भी साजिश हुई थी, अब कौमी इत्तेहाद जो बना था उस वक्त भी बाहर से आपके खिलाफ साजिश हो रही है नहीं हो रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। पनामा लीक्स पर बात कर लेते हैं, सीपैक का मंसूबा इस पर बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जो सवाल मैंने किया प्राइम मिनिस्टर के इस मुल्क में ना होने से आपकी पार्टी तकसीम की, क्या मरियम नवाज साहिबा ने मरियम नवाज साहिबा एमएनएस को बुलाकर नहीं मिली इन मामलों को लेकर नहीं मिली? कैसी आप बात करती हैं, मुझे तो ये बता दें कि क्या एक जमात का जो मेंबर है वो किसी दूसरी मेंबर को बुला के बात नहीं कर सकता? आप इसलिए बुला के किया गया है कि आप को फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं? आप अपनी पार्टी को ज़ाहिर डिफेंड करेंगे? नहीं नहीं, मैं जमात की बात वो तो यकीनन मैं करूंगा, लेकिन मैं ये सच्चाई पर, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई और हकायक ये है कि कोई शख्स जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हो, मेंबर हो या उसका कारकुन हो, वो लीडर के बगैर नहीं चल सकता। और जो कोई शख्स ऐसा करता है वो सियासी खुदकशी करता है हमेशा से, और ये एक हकीकत है। मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो है वो नवाज शरीफ हैं, वो कोई और शख्स हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई सियासी खुदकशी करने के लिए तैयार नहीं होगा, जो आप कहना चाहती हैं। तो आपका जो पनामा लीक्स का मसला है, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क में वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब आ जाएं, आप मुझे इस पे बात करने का मौका देंगी? हाँ, क्योंकि अब तो आपने सवाल किया तो इस पे तो जवाब। अब बात यह है कि पनामा लीक्स के हवाले से कोई पाकिस्तानी हो, मुस्लिम लीग का हो, किसी और जमात से तल्लक रखता हो, कोई शख्स ये नहीं चाहता कि आप एहतसाब ना करें, मगर एहतसाब का कोई तरीकाकार होता है। आप अपने अदारों पर एतमाद करना सीखें, और पाकिस्तान के अदारे FBR, NAB, आपका इलेक्शन कमीशन है, आपकी जुडिशरी है, और ये 2008 की जुडिशरी नहीं है, ये मीडिया वो मीडिया नहीं है, ये FBR वो FBR नहीं है, ये NAB वो NAB नहीं है। ठीक है, इन अदारों एहतसाब के लिए TOR सुप्रीम कोर्ट में बनाकर भेजे? जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर एतराज उठाया? जी बिल्कुल। क्या आपने उन एतराजात को दूर किया? दूर करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए मेरी बात सुनो, अगर आप ये कहें, आप हूँ अपोजिशन, मैं हुकूमती मेंबर हूँ, अगर आप ये कहें कि मेरी मर्जी से ही TORs बने, मेरी मर्जी के गवाह हो, मेरी कमेटी को बाद में आप लोगों ने बनाई ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के TORs रिजेक्ट कर लिए, कहते थे ठीक है ठीक है। आप लोगों को चाहिए ये नहीं था कि जो एतराजात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए उन एतराजात को दूर करते और दोबारा TORs नए सिरे से बनाकर भेजते और उन पर तहकीकात हो जाती, किसी को एतराज ही ना रहता। यही अर्ज किया कि जुडिशियल कमीशन जब बन रहा था धांधली पे, तो उस वक्त भी हमने यही बातें उनसे की थी, और कितना अरसा लगा था? 6 माह लग गए थे TORs बनाते बनाते, और फिर ये उसी बात पर आए जो हमने 12 अगस्त को बात की थी। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जब पनामा लीक्स के हवाले से बातें शुरू हुई, तो उन्होंने कहा हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, और आज भी हम बनाने के लिए तैयार हैं। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आखिर मैं आपसे पूछूंगी क्या अब आप लोग प्राइम मिनिस्टर की वापसी पर मुस्लिम लीग नून का ऐसा कोई लाए अमल है कि मुजाकरात का रास्ता अपनाएं या अपोजिशन को खुला सड़कों पर छोड़ दें, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शहजाद चौधरी साहब, कुछ हलकों में ये सोच पाई जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इस साल तक हटाया ना जा सका, उनकी हुकूमत को गिराया ना जा सका, तो 2018 के इलेक्शन में उनको पछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोबारा तहरीक का किसी भी एहतजाज का उनके पास जवाब बाकी नहीं रहेगा। देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि हम इन मसाइल के बावजूद जो आज जिसने पाकिस्तान की रियासत और सियासत को घेरा हुआ है, हम असल में सही नुक्ते पे पहुंच नहीं पा रहे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कोई मामला नहीं है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये सब चाहते हैं कि आप इसकी तरफ ध्यान दें और आप इसकी तरफ एक बहस शुरू कर दें और इनमें कुछ मिल गुम हो जाएं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, देखिए बात यह है कि जो मैं मियाँ साहब से बड़ी इज्जत के साथ उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मामला सियासत का है। आप तमाम लोग, क्या PTI, क्या PPP, क्या PMLN, ये सारी की सारी सियासत एक ही रंग में रंग गई है लोगों की परसेप्शन के अंदर।
और आज आपके पास वो जो एक मैंडेट जिसको आप कहते थे, जो आपको लोकल स्टैंडाए जो मिला हुआ था कि आप हुकूमत करें इस सियासत के साथ, वो आपके हाथ से आप खोते जा रहे हैं। तो आज जब आप बंद गली में बैठे हैं जहां ये रियासत अपनी सियासत खोने जा रही है मुकम्मल तौर पे, तो खुदारा आपको मिल के बात करना है। हमें पीएमएलएन पीटीआई पीपीपी के मामलों में ना उलझाइए, ये असल में प्राइम मिनिस्टर साहब को इन सब के साथ बंद गली में पहुंच चुकी है। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी है। मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं, सियासत बंद गली में पहुंच चुकी है, और इस सियासत को अपना रास्ता निकालना है इसमें से निकलने के लिए, क्योंकि लोगों की नजर में आज जो हुकूमत हमारे पास मौजूद है या जो पार्लियामेंट है या जो सियासत है, इसकी कोई जगह ही नहीं रहेगी। क्योंकि ये देखिए क्या बदकिस्मती है कि डिटर्मिन हो जाता है या उनकी नज़र में डिटर्मिन हो जाता है कि भाई ये सब के सब इन लोगों ने फलाना घपला किया, ये हुआ वो हुआ, पैसे गए नहीं गए, वो डिटेल की बात है, लेकिन आम तौर पर बड़ी पिक्चर के अंदर ये टेंटेड तसव्वुर किए जाते हैं। क्या बदकिस्मती है कि कोई इदारा, कोई जुडिशरी, कोई फौज, कोई किसी किस्म का आदमी आगे बढ़ के इस एहतसाब के लिए तैयार नहीं है। यानी आप बात करते हैं अपने इदारों की, वो इदारे जो भाग रहे हैं आपके एहतसाब से, सियासत के एहतसाब से, निजाम के एहतसाब से, वो क्या किसी का एहतसाब करेंगे? चाहे वो नैब की बात है, चाहे वो जुडिशरी की बात है, एहतसाब से नून लीग भी भाग रही है। शहजाद चौधरी साहब इन सबके ये सब के सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं, बदकिस्मती से सब भाग रहे हैं। और ये टीओआर में हमें आपको उलझा दिया है, ये टीओआर शीओआर भूल जाइए, मकसद ये है इस रियासत को सियासत चाहिए, लीडरशिप चाहिए आगे चलने के लिए, और इसी नहीं लोगों में से लीडरशिप निकलनी है। तो जब तक अपने आप को पास, देखिए मैं मिसाल देता हूँ, मेरा अमरीकन एक मिनट, अमरीका में बिल क्लिंटन के जब हुकूमत दौर में जब बहुत बड़ा मसला इंपीचमेंट का आया, उसको इंपीच करने, तो पार्लियामेंट कांग्रेस ने बैठ के उसको इंपीच करने का फैसला कर लिया, उसके बाद पार्लियामेंट ने माफ कर दिया। खुदारा अपनी पार्लियामेंट के थ्रू किसी किस्म का कोई ऐसा एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकालिए जहां पर आपके लिए एक आपके लिए क्रेडिबिलिटी बने और लोग आपको एक्सेप्ट कर लें, लोग एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी ये हमारी लीडरशिप जो है इसने अपना। और फिर मैंने तो कहा था, बहुत दफा कहा है, आओ माफी मांगो टेलीविजन के ऊपर, कहो हम सब ने 70 साल बेदहा, और सिर्फ आप नहीं, हर इदारा हम सब शामिल हैं, हमने इशराफिया ने हम सब ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, हम माफी मांगते हैं, और माफी मांगने बाद आइंदा इंशाल्लाह ऐसा कोई काम, और हम कानून के थ्रू इसको इंश्योर कराएं, कानून चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू इंश्योर कराएं कि कोई इस किस्म की हरकत पाकिस्तान के साथ आइंदा ना कर सके। हिलाली साहब, योर कमेंट प्लीज। अगर आप मेरे साथ आज होती और 40-50 हज़ार लोग जो भी थे वो स्टेडियम में, अगर उनके फीलिंग्स आप लेते इस गवर्नमेंट के बारे में, और जब उन्होंने गो नवाज गो का नारा शुरू किया जब शहबाज शरीफ नज़र आए, तो आपको पता चलता कि लोगों की फीलिंग्स क्या हैं इस हुकूमत के बारे में और इस लीडरशिप के बारे में, और ना सिर्फ इस लीडरशिप के बारे में, मैं नहीं कहता कि सिर्फ ये सब जो हैं, ये पूरा टोली जो है झूठे, ये सब पॉलिटिशियंस जो फेल्ड हैं, इनके बारे में लोगों का क्या है। मैं तो डरता हूं कि अगर ये सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल निकाल दें, अगर ये आवाम में मिल जाएं, इनके साथ करेंगे क्या लोग? आपको पता नहीं है किस किस्म के कहानी आके लोग बताना चाहते हैं, इसलिए कि आप टेलीविजन पे आते हैं, वो बैठते हैं और कहते हैं सुनो मेरी बात, पानी का माफिया, चोरी, डकैती, हर किस्म का, ये स्टेट नहीं रहा, मैं कहता रहता हूं ये क्रिमिनल एंटरप्राइज रह गया है। अब देखिए, आपको पता है शाजिया, जब आप इलास्टिक बैंड एक लेते हैं ना, इलास्टिक का बैंड, तो वो बैंड को आप खींचते जाते हैं और आपको रफली पता चलता है उसमें कितनी इलास्टिसिटी है। आपको भी ये पता होता है कि ज्यादा खींचे तो वो बैंड टूट जाता है और फिर वो बेकार हो जाता है। ये बैंड टूट गया है, मेरी बात माने, मैं समझता हूं 2-3 महीने में अगर ये धरना प्रोसेस वाकई टेक्स ऑफ किया तो आप देखेंगे क्या होगा इस मुल्क में। आई एम सॉरी टू से, ये जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दें ये पीएमएलएन के लोग, उनका एक आदमी जो चेयरमैन एक कमिटी का है पार्लियामेंट में, परसों मेरे साथ बैठ के कहा है, बिजनेसमैन को कहा है, इकट्ठे हो, खुदा के लिए इकट्ठे हो, हम जानना चाहते हैं हम क्या करें। इन अदर वर्ड्स, हमें पता है कि हमारे कितने मुश्किलात हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। ये जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन द लीडर्स एंड द पार्टी, बिटवीन द पार्टी एंड द पीपल, ये डिस्कनेक्ट इतना है कि अब ये
ये सही नहीं हो सकता, ये इलास्टिक बैंड खत्म हो गया है। ठीक है जी, अब आप बोले। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चार दफ़ा ये कहा गया और दुनिया ने सुना, मेरे अजीज हम वतनों पाकिस्तान के अंदर करप्शन। मेरी बात सुन लें हलाली साहब, आज की बात करें, आज की बात करें। नहीं शहजाद साहब एक सेकंड मुझे मौका दें और ये मुझे बता दें शहजाद चौधरी साहब, आपकी खिदमत में मैं ये गुजारिश करूंगा कि चार दफ़ा एहतसाब के नाम पर लोग आए, किसका एहतसाब हुआ? जो करप्ट लोग थे, जो कमीशन माफिया थे उस वक्त भी थे, क्या उनमें से किसी को सजा दी गई? बल्कि उनकी वो चोरियां नमाया करके उनको बता के उनको अपने साथ में लाया गया। मैं आज भी ये कहता हूं कि क्या पीटीआई में, क्या पीपल्स पार्टी में, एक सेकंड, क्या मुस्लिम लीग नून में, क्या मुस्लिम लीग नून की मौजूदा कैबिनेट में वो लोग नहीं है? मेरी बात सुने, क्या एक सेकंड जिन चार मुद्दों की आप बात करें उन मुद्दों में जो लोग जिनके साथ खड़े थे आज वो आप लोगों के साथ नहीं खड़े? मैं वही तो मैं खड़े आप मेरी बात तो सुन लेना, अगर मेरी बात आप सुनेगी तो मेरा ख्याल है आपको ये सवाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं ये कहता हूँ पीपल्स पार्टी, मैं छोटी सी बात कर, मुस्लिम लीग आप इदारों को ना लड़ाए, भी एक दो लोग तीन लोग ऐसे थे जो पुल का रोल अदा कर रहे थे उस वक्त भी और आज भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं और इनकारी नहीं हूं इस बात से, मगर मैं कहना ये चाहता हूं कि एहतसाब के नाम पर रियासत का बेड़ा गर्क ना किया जाए। पाकिस्तान में अगर इन तीन सालों में कोई करप्शन हुई है, पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कैंडल सामने आया है, तो आपको गिरेबान में से पकड़ने का हक हासिल है, मगर खुदा के लिए ये आप जो मौजूदा इशू चल रहा है पनामा मालिक साहब उसकी तो बात कर ले, उसकी तो बात कर ले, मुझे तीन सालों में बताएं कौन भाग रहा है, मैं बताता हूं कौन भाग रहा है। आप लोग चाहते नहीं वजीर आजम के खानदान से एहतसाब शुरू किया जाए, नहीं भाग रहे आप लोग, क्या आपकी मर्जी का एहतसाब होगा? किसी अदारे से एहतसाब करेंगे या आप खुद करेंगे? ऑपोजिशन तो कह रही है हमारे साथ मिलकर टीओआर बनाए, उन्होंने तो ऑपोजिशन ने तो आपका एतजाज एहसन साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर का नाम ही निकाल दिया ना टीओआर से, वो कहते हैं कि उनके जो बच्चों का नाम आएगा तो साथ उनके वालिद का नाम है, बतौर वजीर आजम उनका नाम निकाल दिया। अगर फिर आपको इल्म हो तो फिर मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम हम देने के लिए तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर का हम, अगर वो कहें कि नवाज शरीफ का नाम जिक्र करें और अपने सारे बंदे छोड़ दें तो ये हम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप एहतसाब चाहते हैं तो इकरार से बोर्ड करें, अगर आप एहतसाब चाहते हैं तो एक 2000 से कर लें, आप 85 से कर लें, आप 90 से कर लें। इमरान खान ने भी कहा है कि मुझसे भी करें, मेरा भी एहतसाब करें। इमरान खान का, अगर आप एहतसाब इमरान खान साहब की बात करते हैं तो सूबाई एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में किसने तोड़ा, उसका हशर किसने किया? इमरान खान ने नहीं किया। तनकीद हुई भाई उन पर, तनकीद हुई। अच्छा मेरी बात उससे तनकीद से बात नहीं चलेगी, बात एहतसाब से चलेगी। अब मेरा मसला क्या है, मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुझे सिर्फ ये ना देखा जाए कि मैं मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखता हूं, मेरा सबसे पहले ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान है। मैं ये कहता हूं कि आप एहतसाब के नाम पर, आप नामा लीग्स के नाम पर, आप छोटे छोटे इश्यूज के नाम पर, बड़े बड़े इश्यूज के नाम पर आप पाकिस्तान के उन अदारों पर, नहीं क्यों, मैं पनामा लीग्स छोटा इशू है हिलाली साहब, इसलिए मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं छोटा इशू है, छोटा इशू पाकिस्तान की सलामती के हवाले से छोटा इशू है, खुदा के लिए इस चीज को सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया, कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया, तो उस वक्त जो तहरीक माजी में माजी को मत करें प्लीज, माजी में छुपते नहीं, माजी को माजी को जरूरी है, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। शहजाद चौधरी साहब ब्रेक में तो हैरान हो गई सुन के मियां साहब के से कि पनामा लीग से छोटा सा इशू है, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से ये छोटा इशू है, ये इशू रेस किया गया है, बनाया गया इशू, ऑपोजिशन लेकर आई है ये इशू, ऑपोजिशन लेकर आई है ये इशू। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हिलाली साहब और शहजाद चौधरी साहब, मैं तो इस बात पे आप दोनों का कमेंट लेना चाहती हूँ कि पनामा लीग छोटा सा इशू है, तो मीडिया वाले पागल हैं, लोग पागल हैं, आवाम पागल है कि जो इस इशू को लेकर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, इस इशू को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, हमारे लिए ये इशू नहीं है।
देखिए सबसे बड़ा मैसिव फाइनेंशियल करप्शन जो इस मुल्क में, ये मैसिव फाइनेंशियल करप्शन जो हुआ है इस मुल्क में पिछले 10 साल से, ये पैनामा लीक्स है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर अकेला ये सब करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि पैनामा लीक्स जो हैं ये ऑथेंटिकेटेड करप्शन जो है, ऐसा एविडेंस हमारे पास कभी नहीं आया है। और अगर आया है तो जो भी हो, फौज हो या ना हो, लोग छुपाते हैं इस किस्म की एविडेंस। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, रहमान मलिक को पता है 94, 95, 96 में कौन किधर कितने पैसे भेजे और वो पैसे किस फ्लैट्स और किसके लिए इस्तेमाल हुए। मैं समझता हूं दो जनरल्स हैं इस वक्त जो चेयरमैन नैब हैं, थे, उनको पता है, इसलिए कि उनको ये टास्क दिया गया था कि पता करो इसके बारे में, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब है मगर बताते नहीं है। इसलिए जैसे ये एमएनए साहब ने कहा है, सच का है, ये चाहते थे उनको साथ रखें, ये चाहते थे कुछ लोग को तोड़ें। पीएमएलक्यू आफ्टर ऑल क्या है, पीएमएलक्यू इन लोगों से तोड़ के वो मुशर्रफ ने पार्टी बनाया, ये बात सही है, मगर ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता है। मगर मैं ये जानना, इनको ये कहना चाहता हूं, ये जो डिनायल में आ गए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि मैं एक जमाने में बेनजीर भुट्टो के साथ बड़ा क्लोज था, उनका स्पेशल सेक्रेटरी था, आप समझे कि मैं रोज उनको 3-4 दफे मिलता था, और आपको पता है इन लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है इनके दफ्तरों के बाहर। एक दफे उसने मुझे बैठ के कहा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द प्रेसिडेंट। सब लोग कह रहे थे कि जगारी और इनकी लड़ाई हो रही है, मुझे पता था लड़ाई है और क्यों था, तो मैंने उनको कहा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने उनको कहा, प्राइम मिनिस्टर ही इज अ मैन ऑफ जगुलर डिसलॉयल्टी, माने आपके साथ वो नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। तो कहने लगी, अच्छा आज तो उसका बॉडी लैंग्वेज, अच्छा इनको पता ही नहीं होगा, जब होगा, जब इनको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, वो हाय हाय करके सर पकड़ेंगे, they won't know what's happening। ठीक है, वक्त कम है, ये इन डिनायल है, वक्त कम है। शहजाद चौधरी साहब, देखिए 3 स्ट्रेटजीज नजर आई हैं मियां साहब की गुफ्तगू के अंदर। पहली कि आप पिछली कहानियां लेके बैठ जाएं और 4 वो जो इत्तेसाब के नाम पे जैसा जिक्र करते हैं, वो जो मार्शल लॉज आए उसके बाद क्या हाल हुआ। अच्छा, पहली बात तो ये, मैंने उनको भी शामिल किया है, उनको भी शामिल किया है उन लोगों के अंदर, उन ग्रोहों के अंदर जिन्होंने इस मुल्क के साथ 70 साल ज्यादती की है, 70 साल उनको शामिल किया है इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब को एक तो सब्र से बैठ जाना चाहिए। दूसरी बात, ये फौज हरगिज हरगिज नहीं चाहती क्या शामिल किसी तरीके से भी हुकूमत में आए, और ना ही आएगी, ना आना चाहती है, मुकम्मल तौर पे वाजे कर दिया मियां नवाज शरीफ को। अच्छा, तीसरी बात, खतरा किधर से है? खतरा ना जुडिशरी से है, ना फौज से है, खतरा है अवाम से, जो कि समझ नहीं पा रहे इस बात को। और अवाम के लिए, अवाम के लिए, अवाम के, अवाम के, अवाम के लिए, एक मिनट, एक मिनट, एक बात पूरी कर लूं ना, एक अवाम के, मैं अपनी बात कर लूं ना जी, एक मिनट बात कर लें, टाइम जाया हो रहा है, टाइम जाया। अवाम इस दफा इलेक्शन का रास्ते का इंतजार नहीं करेंगे, ये है प्रॉब्लम। और हम क्यों चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगले 2 साल भी मुकम्मल करें? हम उनके, हम पीएमएलएन के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान के हामी हैं, हम पाकिस्तान की रियासत के लिए सियासत चाहते हैं, और वो सियासत इन लोगों में से आएगी जो बैठे हुए हैं, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, लेकिन उसके लिए कोई राह तो निकालनी पड़ेगी ना। मैंने आपको बिल क्लिंटन की मिसाल दे दी, मैंने माफी की मिसाल दे दी, मैंने ये कह दिया कि आपको कि देखिए रास्ते निकालिए, और ये आपने मिलकर बजाय हमें ये कहानियां सुनाने के ये लोग आपस में लड़े हुए हैं, पीएमएल पीटीआई नहीं मान रही, फलाना नहीं मान ना, सबके सब एक ही ताली के चट्टे बटे हैं, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। आप फिक्र करें इनको इकट्ठा करके ये रास्ता निकालने की, कि यार इस मुश्किल में से कैसे निकला जाए, लोगों का तो हम पे यकीन ही उठ गया मुकम्मल तौर पे। दे रही हूं, ठीक है, ये है जिसको, ये है तशखीस, इसकी थी, इसकी तशखीस कीजिए मियां साहब, आप भूल जाइए कि कौन आपका दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है, ये हुकूमत कामयाब होनी चाहिए। आज के दिन में मेरी बात सुन ले, एक मिनट, आज के दिन में एक सूफी इंसान, फरिश्ता इंसान चला गया दुनिया से, उसने मिसाल दिखा दी है कि इन लोगों के दिल कैसे जीते जाते हैं, इलेक्टोरल मैंडेट से नहीं, इस मैंडेट से जो कि दिलों में से निकलता है। तो ये रास्ता शहजाद साहब,
मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मैं ये आपसे सुनना नहीं चाहता था। शायद आप ये तासर दे रहे हैं या मुझे तासर मिला है कि शायद आप किसी अदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं या मेरा इशारा किसी एक अदारे की तरफ था। मैंने माजी का इसलिए बयान किया कि माजी से हमने सीखना चाहिए, मैं इसलिए माजी में गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ एहतसाब पाकिस्तानी कौम चाहती है। आप अगर ये बात करें मुझे बात सुन, अगर आप अदारों पर एतमाद नहीं करेंगे तो कौन बाहर के ममालिक पाकिस्तान के अदारों पर एतमाद करेंगे? और दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल क्लियर इस बात पे हूं, मेरी बात सुनिए यार, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी भी हौसले से बात सुने। नहीं बताया ना, ये कहता हूं कौन से अदारे पे, कौन से अदारे पे, ये बता देना। अदारों पे, अदारों पे, अदारे पे नहीं, अदारों पे मैं कह रहा हूं। नाम बता देना, पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान के तमाम अदारों पर आपको एतमाद करना होगा एहतसाब के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ के पाकिस्तानी कौम, जो मैंने कहा था ना कि चार दफा मेरे अजीज हम वतनों सुना गया, तो इस कौम के बारे में जो कुछ कहा गया, जो दुनिया ने ये कहा, ये तासर लिया कि शायद हम करप्ट कौम है। हम पाकिस्तानी कौम उतनी ही जिम्मेदार कौम है, उतनी ही दयानदार कौम है जितनी दुनिया की बाकी कौमें हैं, और इसी तरह इनकी लीडरशिप में से भी उतनी ही दयानदार जितनी बाकी तो हमसायल ममालिक के लोग हैं। लेकिन मैं एक आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं, आप एहतसाब करो, आप एहतसाब की बात करो, मैं भी करता हूं, ये भी करते हैं, मगर खुदा के लिए अदारों से तो कराओ। आप अगर खुद ही छड़ी लेकर बैठ जाओ, खुद ही बंदूक पकड़ के बैठ जाओ कि मैंने ही एहतसाब करना है, मैंने ही आपके खिलाफ केस रजिस्टर किया, वो किसी तौर पर भी शुरू करें, पाकिस्तान हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को डिस्टेबल नहीं करना शुरू करें। अगर पहला काम ही है, सवाल का जवाब दे दे, आखिरी सवाल का जवाब दे दे, और ये जो मैंने गनवाए हैं ये काम नहीं होना देना चाहती, ये पाकिस्तान आखिरी सवाल का जवाब दे दे, ऑपोजिशन को खुला सड़कों पर छोड़ेंगे या कोई अभी रास्ता निकालेंगे इस मुश्किल से? बिल्कुल बिल्कुल, जहां चाहें अपना मुजाहरा करें, नारे मारें, जो मर्जी करें। आप लोगों ने लचक दिखाने वाली कोई बात ही नहीं है, आपको कहना तो ये चाहिए, बात आप करती है, सवाल उससे जवाब भी, मेरी बात सुने ना, आप लोग मुजाकरात के लिए कोई मुजाकरात एक दफा नहीं हजार दफा आज भी तैयार हैं, इसके बाद भी तैयार हैं, मगर ये तरीकाकार नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल किया जाए, अदारों को आप रोनते हुए आगे निकल जाएं। अदारों पर एतमाद करना होगा, और अदारों पर एतमाद किए बगैर इस मसले का हल भी नहीं निकल सकता। आप शुरू करें, एतबार क्यों नहीं करते? चलिए देखते हैं कि आप लोग इस मसले का चुके हैं, कल उन्होंने एक इजलास भी बुलाया, देखते हैं कि अब आप लोग इस मसले से निकलने के लिए आप लोग किस तरह पहल करते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब प्रोग्राम में आने के लिए, शहजाद चौधरी साहब, जफर इलाली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफ़िज़।